नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी जी के दुखद देहांत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। आज हमने एक मुखर आवास को खो दिया। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। टीवी बहसों में शब्दों की एक लक्ष्मण रेखा तो होना चाहिए। उत्तेजित और भड़काने से बेहतर है कि एक सार्थक विमर्श स्थापित किया जाए। एक खास राजनीतिक विचारधारा को पोषित करने वाले प्रायोजित जहर ने राजीव त्यागी जी की मुखर आवाज को शांत किया है। प्रतिदिन यह जहर हिंदू मुस्लिम की विसात पर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करते करते आज हम तक पहुँच गया है। ट्रक ऑपरेटर्स ने बुधवार रात 12 बजे अपनी हड़ताल खत्म कर दी। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स की मांगों पर शासन द्वारा आश्वासन के बाद संघ द्वारा बुधवार रात 12 बजे हड़ताल समाप्त की घोषणा की गई है। ऑपरेटर्स संघ के पदाधिकारी अपनी मांगों के संबंध में आज परिवहन मंत्री से सागर में चर्चा करेंगे। ट्रक ऑपरेटर्स विगत 10 अगस्त से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। हड़ताल समाप्ति के बाद कल से ट्रक ऑपरेटर्स अपनी सेवाएं पूर्ववत जारी रखेंगे। हमीदिया अस्पताल के मैनेजमेंट और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाने वाले नरेंद्र गहलोत की दूसरी बेटी की भी मृत्यु हो गई है। दोनों बेटियों को 6 अगस्त को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। 16 वर्षीय छोटी बेटी की मृत्यु उसी दिन हो गई थी, जिसके बाद पिता नरेंद्र गहलोत ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया था। आज इसी हमीदिया अस्पताल में नरेंद्र की बड़ी बेटी की भी मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान बुधवार रात तक प्रदेश में कोरोना के 870 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 41,604 हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बुधवार रात तक 169 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या सिर्फ इसी शहर में अब तक 337 हो गई है। वही राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान बुधवार रात तक 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं शहर में अब तक 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि प्रदेश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वालों की संख्या 1,048 हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्ति में सराबोर दिखे। मुख्यमंत्री आवास में इस अवसर पर पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री निवास स्थित मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व हुए कार्यक्रम में सीएम ने भी पत्नी के साथ भजन गाया। बता दें कि देश और प्रदेश में उत्साह के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। करीब 5 महीने बाद भोपाल में आज से जिम खुलेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। उसे पालन करते हुए संचालकों को जिम खोलने की अनुमति दी गई है। वह प्रशासन के स्तर पर लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से जो SOP जारी की गई है, उसके अनुसार जिम के फ्लोर एरिया के हिसाब से लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार हर व्यक्ति को 4 स्क्वायर मीटर जगह जिम में मिले। जिम संचालकों को प्रशासन को यह जानकारी देनी होगी उनके जिम में कितना स्पेस है। साथ ही यह भी बताना होगा कि एक वक्त में कितने लोग जिम के अंदर आ सकते हैं। निर्धारित नियम से अगर ज्यादा लोग जिम के अंदर मिलेंगे तो उसे 15 दिनों के लिए बंद करवा दिया जाएगा। नेशनल हाईवे 7 में बंजारी के पास गुरुवार सुबह करीब 6 बजे विपरीत दिशा में जा रहे 2 ट्रकों की टक्कर से भीषण हादसा हो गया। हादसे के बाद भड़की आग में दोनों ट्रक वाहनों के ड्राइवर जिंदा जल गए, जबकि घायल क्लीनर ने वाहनों से कूदकर अपनी जान बचाई। छपारा गणेशगंज के बीच 4 लेन सड़क का डिवाइडर क्रॉस कर मौसम्बी से भरा ट्रक विपरीत दिशा में चावल लेकर जा रहे ट्रक में जा घुसा। मौसम्बी का ट्रक की रफ्तार इतनी तेजी थी कि डिवाइडर क्रॉस करने के बाद चावल से लोडेड ट्रक को टक्कर मारने के बाद कई फीट तक घसीटता ले गया। चावल से भरा ट्रक हाईवे में पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के कैबिन में हादसा होते ही आग भड़क गई। इंटरनेट पर एडल्ट फिल्म और अश्लील वेबसाइट सर्च करने वाले कई नाबालिग ब्लैकमेलरों के जाल में फंस गए हैं। उनकी सारी जानकारी जुटा ली और उनकी मां बहनों की अश्लील फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। रुपए देने के बाद भी ब्लैकमेलर ने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी तो संभ्रांत परिवार के बच्चे क्राइम ब्रांच पहुंचे। मामले की जांच कर रहे साइबर विशेषज्ञ के मुताबिक घटनाएं लॉकडाउन के दिनों की है। खुड़ेल निवासी 15 वर्षीय बच्चा सबजन के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचा और बयान दर्ज करवाए। बच्चे के मुताबिक वह गेम खेलने के लिए सबजन से मोबाइल ले लेता था।
मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन की अंडर 23 टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला क्रिकेटर को डोपिंग का दोषी पाया गया है। ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाली उक्त खिलाड़ी तेज गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी करती थी। फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और MPCA द्वारा इस मामले में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उक्त खिलाड़ी मध्य प्रदेश की अंडर 23 टीम की सदस्य है। मॉनसून के सक्रिय होने से प्रदेश में अच्छी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बन गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सिस्टम के गुरुवार को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की पूरी संभावना है। साथ ही यह खाड़ी में ऊर्जा एकत्र करने के बाद आगे बढ़ेगा। इससे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक बरसात का दौर जारी रहेगा। इस दौरान अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सतना में 133, रीवा में 42, उमरिया में 38, सागर में 22, खजुराहो में 18, नौगांव में 13, जबलपुर में 12, दमोह में 10, मलाजखंड में 9, ग्वालियर होशंगाबाद में 6, इंदौर मंडला में 5, रतलाम में 4, उज्जैन शाजापुर पचमढ़ी और बैतूल में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, पेयजल, पर्यटन, अधोसंरचना विकास के साथ सुशासन की दिशा में व्यापक स्तर पर काम होने जा रहा है। ये सभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में अहम रोल निभाएंगे। इसके लिए मंत्रियों के 4 समूह का गठन किया गया है। 25 अगस्त को अपनी रिपोर्ट देंगे, इसी के आधार पर आगे कार्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 4 दिनी वेबिनार में विषय विशेषज्ञों के बेहतर सुझाव आए हैं, इन्हें रोडमैप में शामिल किया जा रहा है। मंत्रियों के 4 समूह में भौतिक अधोसंरचना समूह में PWD मंत्री गोपाल भार्गव के साथ समूह समन्वयक अधिकारी ICP केशरी होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए या नहीं, इस बारे में चुनाव आयोग जल्द ही फैसला लेगा। आयोग ने राजनीतिक दलों से उपचुनाव के संबंध में सुझाव मांगे थे। इसकी तारीख पहले 31 जुलाई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 11 अगस्त तक कर दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस की ओर से दोबारा मांग की गई है कि कोरोना महामारी के चलते बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। इसके पीछे तर्क यह था कि चूंकि EVM मशीन के एक ही बटन को दबाकर कई लोग वोट करेंगे, जिससे संक्रमण का खतरा ज्यादा है। आबकारी, रेत और परिवहन नीति के मामलों में देरी से सरकार को 4 महीने में 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं लंबे लॉकडाउन ने और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। नतीजा 2040 करोड़ रुपए का राजस्व कम हुआ है। पिछले साल 1 अप्रैल से 30 जून 2019 के बीच 8,711 करोड़ रुपए की राजस्व आय हुई थी। इस साल इन 3 महीनों में यह घटकर 4,771 करोड़ रुपए रह गई है, यानी सीधे 3,940 करोड़ रुपए की कमी आई है। इससे 7 लाख कर्मचारियों का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है। नई सड़कों के निर्माण के लिए राशि की कमी है। सिर्फ मरम्मत के लिए ही 350 करोड़ रुपए की राशि मिल पाई है। क्रिकेट सट्टे का धंधा मंदा पड़ने के बाद दाऊद इब्राहिम की गैंग से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय बुकी अनिल जयसिंघानी शराब तस्करी के धंधे में उतर गया है। हरियाणा से धार, झाबुआ, अलीराजपुर के रास्ते अवैध शराब गुजरात व महाराष्ट्र पहुंचाने के मामले में इसकी भूमिका सामने आई है। धामनोद पुलिस ने जनवरी में लगभग 50 लाख रुपए की शराब से भरा ट्रक जब्त किया था। आरोपियों में एक नाम जय सिंघानी का भी है, वह फरार है और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम के साथ अब मध्य प्रदेश पुलिस भी इसकी तलाश कर रही है। भोपाल रेल मंडल ने एक ऐप डिजाइन किया है। यह TTE स्टाफ के मोबाइल में डाउनलोड है। जब भी ये स्टेशन परिसर में और ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट जांचते हैं तो ऐप मदद करता है। ऐप टिकट का QR कोड स्कैन कर लेता है। ऐसा करने से रेल कर्मियों के मोबाइल में यात्रियों की टिकट की पूरी जानकारी आ जाती है, जिसे TTE स्टाफ सत्यापित कर लेते हैं। इस तरह यात्रियों का टिकट बिना हाथ में लिए ही TTE स्टाफ ऐप के जरिए टिकट की जाँच कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार, मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें।
सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। हमारी जिंदगी हमारी।